युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने, और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों, सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं, तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए। इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है, और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा, और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया।